Realme का एक ब्रांड न्यू फोन Realme का GT Neo 2 आने वाला है। पर्सनली मेरे को ना इसका बैक डिजाइन बहुत ही क्रेजी लगा और बैक से अगर इसका Realme ब्रांडिंग हटा देना तो ये एकदम OnePlus के फोन के जैसा लगता है। फोन का डिजाइन पर्सनली बहुत ही प्रॉमिसिंग है और स्पेसिफिकेशन अप टू द मार्क है। आज हम बात करने वाले हैं Realme GT Neo 2 के बारे में। इसका ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि फोन कब तक देखने मिलेगा। माधव सेठ ने टोटली हिंट दे दिया है कि अक्टूबर के ही मंथ में ये फोन लॉन्च होगा। ऑफिशियली इसका लैंडिंग पेज भी आ चुका है और मिलता क्या है, किस प्राइसिंग मिलता है वो भी बात करेंगे। तो वीडियो मजा आए तो वीडियो को एक लाइक करना। आज की इस वीडियो आ जाते हैं 200 लाइक का, ठोक दो यार और क्या। देखो पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, Realme का नंबरिंग मेरे समझ से बाहर है, आउट ऑफ द कवरेज एरिया है, क्योंकि Realme GT न्यू आया नहीं लेकिन उसका न्यू 2 आ रहा है। बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। Realme के ऑफिशियल हेड माधव सेठ ने आस्क माधव के सीरीज में ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि अक्टूबर के मंथ में Realme का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन GT न्यू 2 आने वाला है। बात करते हैं इसी फोन के कुछ बेसिक स्पेक्स के बारे में। हाँ तो गाइस, इसमें आपको 6.62 इंच का एक मैसिव डिस्प्ले तो मिलता ही है, जिसमें एमोलेड पैनल यूज किया गया विथ 120 हर्ट्ज बटर वाला स्मूथनेस। हाँ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। देखो 2021 में ये कॉमन हो चुका है कि एमोलेड के साथ में 90 हर्ट्ज, एमोलेड के साथ में 120 हर्ट्ज। रियलमी इसमें कुछ एक्सट्रीमली अमेजिंग चीज किया है। रियलमी क्लेम करता है कि इस स्मार्टफोन में आपको 600 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 600 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट Realme ने इसमें क्लेम किया है और बताया कि ये हाईएस्ट टच सैम्पलिंग रेट वाला स्मार्टफोन बन जाता है इंडिया का, जो आपको Realme GT Neo 2 में देखने मिलता है। ये एक HDR 10 प्लस डिस्प्ले है जो 1300 के पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। पीक ब्राइटनेस भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत ही कमाल का इसमें हो जाएगा। बात करते हैं पंच होल इसमें आपको देखने मिलता है टॉप लेफ्ट साइड में, जो आपको सेल्फी कैमरा 16 MP के साथ में आ जाता है। बात करते हैं रियर कैमरा के ऊपर ना, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस 64 MP का है, जो अच्छा खासा पिक्चर्स क्लिक करवा देगा। सेकेंडरी कैमरा के ऊपर बात करूं तो 8 MP का आपको सेकेंडरी कैमरा मिल जाता है, जो आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, और लास्ट कैमरा 2 MP का बेफिजूल वाला मैक्रो लेंस है। कुछ इस तरह का आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में, मतलब बैटरी में भी बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ है। 5000 mAh का आपको मैसिव बैटरी इसमें मिल जाता है विद 65 वोल्ट का सुपर डार्क चार्ज Realme वाला, मतलब अल्ट्रा स्पीड में इसका बैटरी को चार्ज कर देगा, नहीं बैटरी को चार्ज कर देगा, जो कमाल की बात है। ये आपको 8 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज और 12 GB की रैम के साथ में भी अवेलेबल है। 3.1 UFS वाला स्टोरेज टाइप है, मतलब UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने मिलता है, जो अल्ट्रा फास्ट है रीड एंड राइट स्पीड में। साथ ही बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में, तो ये फोन आपको टोटल 3 कलर में अवेलेबल है। मेरे को इसका ग्रे कलर और इसका जो नियॉन या आप ग्रीन कलर बोलो ना, वो पर्सनली अच्छा लगा। इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है और आई डोंट नो व्हाई ये फोन मेरे को बहुत ही अमेजिंग देखने में रहा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसमें अवेलेबल है। बात करते हैं इस फोन के अब प्रोसेसर डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब पावर कितना खतरनाक इसमें मिल रहा है। देखो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 का पावर है, जो कैपेबल प्रोसेसर है, अच्छा खासा आपको पावर डिलीवर करवा देगा। ये आपको एक 7 nm का प्रोसेसर है, मतलब बैटरी इफिशियंट भी अच्छा खासा होगा। एंड्रीनो का 650 का GPU भी मिल जाता है। साथ ही में इस फोन में आप गेमिंग भी बहुत ही अच्छा खासा कर पाओगे, 90 FPS में BGMI कमाल का रन करने वाला है। कुछ इस तरह का आपको आने वाला है Realme का GT Neo 2। कैसा लगा आपको ये GT Neo 2? क्या आप इसके लिए इंतजार कर रहे हो, वो कमेंट करके बताना। साथ ही बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में, जो थोड़ा मोड़ा हिंट हो चुका है, 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा, जो क्रेजी बात है। और अक्टूबर के ही मंथ में एक और फोन आएगा, जो है OnePlus का 9RT। तो किस फोन का आप वेट कर रहे हो, वो कमेंट करके बताना, मेरे को दोनों फोन का वेट है। तो वीडियो मजा आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो और घंटी बटन को टन से बजाना, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस आपका भाई रोजाना लाते रहे। प्राइसिंग के ऊपर बात करूं तो ये फोन आपको बाहर के कंट्री में लॉन्च हुआ ना, जो आपको 32,000 के प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है, जो थोड़ा ज्यादा है इस फोन के स्पेसिफिकेशन को अगर आप कंपेयर करो। और इंडिया में अगर ये 30,000 के अंदर आएगा ना, तब आई गेस फाड़ के रख देगा दूसरे स्मार्टफोन को। तो देखते हैं किस प्राइसिंग में आता है। जहां तक मेरे को लगता है 28,000 या 29,000 में ये लॉन्च होना तो ज्यादा बेटर होगा। अगर 30,000 से ऊपर चल गया तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या आपको प्राइसिंग लगता है आप कुछ गेस कर सकते हो, वो आप कमेंट करना। तो देखते हैं क्लोजिंग प्राइसिंग सबसे ज्यादा किसका होता है। तो ठीक है व्यूअर्स, फिलहाल की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, मिलचीट करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।